When as soon as we come out of the ground, like college, when we hit the ground, we are facing the reality of the world, where we are not finding the job we found which not meet our requirements. Sometime it is too much difficult to work into the environment or timings and all those things. So we never thinking that to open up our own business. और उसमें एक चैलेंज ये आ जाती है कि व्हेन वी आर नॉट थिंकिंग टू ओपन अ बिजनेस आवर माइंडसेट इज टू डू द वर्क और जॉब और वर्किंग फॉर समवन. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस दैट वी आर विलिंग टू और ईगर टू वर्क फॉर समवन होल ऑफ अवर लाइफ. देर आर सम रीजंस फॉर दैट पॉसिबली इन अवर कल्चर एंड अवर सिनेरियो अवर एनवायरमेंट देर मे नॉट बी सम अपॉर्चुनिटीज. Or we may never try to create an opportunity. That is also another contrary thing. Like there are some opportunities, but we don't want to tap that opportunities because of the risk factor or because of the fear, or the whole society is like in a fear mode. Why I'm telling this is like in a fear mode is, I'm in USA for 16 years. If someone coming to my place or I'm going to someone's place, and if they don't have something which they don't carry or they have carried but they don't have in stock, they will not have any fear to give the competitor's name, or even they can call competitors and says, I need this, can you provide that? अपने वहाँ ऐसा कल्चर है ही नहीं. मैं मेरा और आपका धंधा एक ही है तो आप हमारे दुश्मन ही है, ऐसे ही मान के हम चलते हैं. तो जो इंटरेक्शन होना चाहिए डेवलपमेंटल साइड पे या सोशल साइड पे या फिर पूरे फील्ड का, मान लीजिए दो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक ही फील्ड के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को गिराने की बात कर रहे हैं, जबकि बात होती है साथ में ग्रो होने की. वो कभी हो नहीं रही है, वो होनी चाहिए, पर आई डोंट नो हाउ कैन वी गेट दैट थिंग्स. इवन दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम बिकॉज देर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल विल ऑल्सो रिक्वायर्ड. नाउ वी आर हैप्पी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी एग्रेसिवली परस्यूइंग ऑन MSME एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स एंड काउंटरिंग चाइनाज global presence and global interference into the other countries. So business शुरू करने के लिए जो fear factor है, जब भी हम engineering से बाहर आएंगे आते हैं तो when we are thinking to start up a business, we are thinking too big. कि हमें तो like कोई भी manufacturing शुरू करना है, आप धंधा शुरू करना है तो लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए. वो कैसी बात है कि वी आर जस्ट हाइपोथेटिकली थिंकिंग, वी आर नॉट पुटिंग एनीथिंग ऑन अ पेपर. मान लीजिए हम एक पेन बनाना है तो पेन में पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीज चाहिए, वो चीज हम कैसे लाएंगे, उसका रो मटेरियल कहाँ से मिलने वाला है, वो रो मटेरियल का कॉस्ट कितना आएगा, पेन कितने में बिकती है, तब आपको प्रॉफिट का मार्जिन पता चलेगा. अगर आप सीधे ही सोचोगे कि इसमें तो पैन बनाने में 50 लाख लग जाएंगे तो आई डोंट थिंक वी कैन इवन स्टार्ट एनीथिंग. सो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस. उसका दूसरा कारण ये भी है कि हम जब इंडिया में हैं तो मोस्टली वी आर स्टडिंग ऑल द सक्सेसेस, वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट द स्ट्रगल्स द पीपल हैज पास थ्रू. लाइक पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ, धीरूभाई अंबानी का इज अ नेचुरल एग्जाम्पल. आप और मान लीजिए यू एंड धीरूभाई अंबानी आर ग्रेजुएटिंग टूगेदर इन 1974, और वो इमेजिन द सोसाइटी एट दैट टाइम. लाइक ही वॉज अ सन ऑफ अ बानिया एंड ही वॉज अ फिलिंग अ पेट्रोल एट अ पेट्रोल स्टेशन इन बॉम्बे. आप इमेजिन करोगे कि उस टाइम में उसके आजू बाजू के कई लोग उनको ताना भी मारते होंगे कि साले बनिया का लड़का होके पेट्रोल पर भर रहा है, राइट? वो सुनता होगा, वो उसको बोला ही होगा, कितने ही लोगों ने बोला होगा. इट्स अ बट नेचुरल, क्योंकि ये अपना सोसाइटी है. उसने वो नहीं सुना, ही कंटिन्यूड, बट ही ओपन हिज आईज एंड ईयर एंड लुक अराउंड कि भी क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या कर सकते हैं. तो हमने वो कभी नहीं पढ़ा कि उसका बिगिनिंग लाइफ कैसा था, कहाँ से बॉम्बे गया, बॉम्बे उसको रहने की भी जगह नहीं थी, खाने के भी पैसे नहीं थे, वो सब चैलेंजेस जो थी वो हमने कभी पढ़ा ही नहीं. हम जो पढ़ रहे हैं कि ओ धीरूभाई अंबानी इज अ बिलियनियर, ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड और मे बी इन इंडिया एट प्रेजेंट पॉसिबली, सेम विद मुकेश अंबानी, राइट? तो जब तक आप किसी का
स्ट्रगल नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि स्ट्रगल भी आता है जीवन में। आप सक्सेस ही पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार सक्सेस तो इजीली आ जाता है। यू लुक एट एग्जाम्पल ऑफ अमिताभ बच्चन, सेम वे, उसके पास रहने के लिए सोने के लिए कमरा भी नहीं था उस टाइम, बट ही स्ट्रगल्ड एंड ही स्ट्रगल 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 ऑल द टाइम, लाइक 10, 15, 20 ईयर्स। हर एक के लाइफ में व्हेन यू ग्रेजुएट यू आर एट द एज ऑफ लाइक 20 to 23 रफली एज, राइट? आपके पास सिर्फ 25 साल ही है, वो 25 साल में ही आपको जो करना है वो कर सकते हैं। आप अगर आज सोचोगे कि मैं 10 साल के बाद ये करना चाहता हूँ तो वो तो उस टाइम तो एनवायरमेंट भी बदल गया होगा, उस टाइम की दुनिया भी अलग होगी और उस टाइम के आपके सर्कमस्टेंसेस भी अलग होंगे। जो करना है अभी ही करना है, आज ही करना है, उसके लिए कर क्या सकते हैं? दो तीन लाइक इन्फोसिस का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। 1985 के आसपास में 6 जो क्लासमेट थे वो इकट्ठा होकर एक रूम में मीटिंग करते हैं और फिर अपने काम पे लग जाते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि भी चार दो तीन चार पांच ग्रुप के मेंबर्स इकट्ठे होके कोई एक ऐसा सोच बनाए कि हमें ये करना है। वो जब व्हेन यू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड वर्क, आई एम नॉट टॉकिंग, क्योंकि अपना एक इंडिया में ये भी सोच है कि जब तक जब हमारा सेटिंग हो जाएगा तो किसी दूसरे का कोई नुकसान होगा तो भी चलेगा, या वंस वी गेट सेटल्ड वी डोंट वांट टू ग्रो, ग्रो ग्रोथ मस्ट बी देयर। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक आप लोकली लोकली लोकल घूमते रहेंगे। आई एम पुटिंग दिस इन अ परस्पेक्टिव क्योंकि अपना एनवायरमेंट ऐसा है कि हमने कभी, मान लीजिए आप अहमदाबाद में कुछ बिजनेस करना शुरू करते हो तो आपने अहमदाबाद के बाद बाहर कुछ देखा ही नहीं या सोचा ही नहीं कि मार्केट कहाँ से क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। यूएस का मार्केट कंप्लीटली अपोजिट है। छोटे 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 रेस्टोरेंट्स, छोटे रिटेल स्टोर्स हैं लाइक वॉलमार्ट है, जायंट स्टोर जैसे वॉलमार्ट है, और छोटे स्टोर्स भी हैं जो बहुत ही स्मॉलर फुटप्रिंट है उनका, लेकिन उनका उनका एक सिटी में स्मॉलर फुटप्रिंट है, उनके हर एक सिटी में स्टोर्स हैं, तो उनका टोटल जो कवरेज है, फुटप्रिंट्स है, उनका बाइंग पावर्स, उनका एक्सपोजर टू द पब्लिक इज मच मोर लार्जर। ऑनलाइन भी इतना उनका प्रेजेंट होता है, पर ऑनलाइन ट्रेड में लाइक बिकॉज दे आर प्रेजेंट फिजिकली, दे आर ऑल्सो डूइंग ऑनलाइन बट दे डू लॉट इन इन पर्सन ट्रेडिंग। यूएस का टोटल अगर आप देखोगे, सी अपना टोटल इंडिया का जो द टोटल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, वी आर अबाउट $2 ट्रिलियन, यूएस इज अबाउट $20 ट्रिलियन। तो 10 गुना ज्यादा बड़ी इक्विटी, एक तो मार्केट है, दूसरा चाइना से इतना सब मटेरियल आता है, वी कैन डेफिनेटली मीट चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग इन प्राइस एंड क्वालिटी इफ वी एक्चुअली टारगेट दोज थिंग्स। तो हमें एक सोच बनानी पड़ेगी कि हमें कुछ करना है, करने के बाद उसके ऊपर लग जाना है। 6 महीना 1 साल तक कुछ ना मिले तो भी हाउ वी गोइंग टू सर्वाइव। सो आपको पहले से शुरू करना पड़ेगा कि आई डोंट हैव अ फियर, मैं गिरूंगा तो भी खड़ा होऊंगा, खड़ा नहीं होगा तो भी मुझे खाने के लिए 2 टाइम का खाना चाहिए और दो दो पैर क्लोथ चाहिए और घर तो होगा, नहीं होगा तो भी वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि आई एम अ फियरलेस। सी हम सब लोग सोचते हैं कि आई एम पावरफुल एंड दैट्स वाई आई एम फियरलेस, मैं उसके पूरा उल्टा बोलता हूँ, आई एम फियरलेस एंड दैट्स वाई आई एम पावरफुल। सो फियरलेसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लाइंड फियरलेस, आई एम नॉट टॉकिंग यू रनिंग इन टू द फायर इवन दो यू नो दैट देर इज अ फायर गोइंग ऑन। सो आई एम नॉट सेइंग दैट, वी आर एजुकेटेड पीपल, वी हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, एंड कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए आपको सब कुछ पेपर पे रखना पड़ेगा कि मुझे 6 महीने में क्या करना है, उस 6 महीने में मेरा खर्चा क्या होगा, वो खर्चा कहाँ से आएगा, उसमें कुछ प्लस माइनस होता है तो वो कैसे हम मेकअप करेंगे। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस ही नहीं होता है तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो 6 महीना या 12 महीना। वो जो 6 महीना 12 महीना का जो पाथ होता है, द ट्रैक यू वॉकिंग इन 6 to 12 months विल टीच यू, यू विल नॉट बिलीव, विल टीच यू सो मेनी थिंग्स दैट यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन इन 12 मंथ्स। शुरू में आपने गोल डिसाइड किया है, मान लीजिए रिलायंस ने जो गोल डिसाइड किया था कपड़े बनाने का 1975 में, आज 2020 में रिलायंस कपड़े के बिजनेस में है ही नहीं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि टेक स्मॉल स्टेप टू लार्ज गोल, बट मे बी गोल्स आर नॉट
क्लियर एट द बिगिन विथ, बिकॉज जब आप रास्ते पे चलते जाओगे तो आप ही अकेले एक यात्री होंगे जिनको सब पता चलता है कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या सुनाई पड़ रहा है। वो मार्केट ही आपको सिखाएगा, वो एनवायरनमेंट ही आपको सिखाएगा। अगर आप में काम करने की हिम्मत है, आपके स्टेप्स राइट है, और आपका उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है आपका हार्ट प्योर होना चाहिए। हार्ट में आप मान लीजिए कहीं पे भी आपने सोचा कि मैं किसको नीचा दिखाऊं या किसको ऊंचा दिखाऊं, या मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, आपके वर्कर से उनको आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो वो सब आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में बीच में आएगा। योर हार्ट मस्ट बी प्योर एंड क्रिस्टल क्लियर। मान लीजिए मेरी और आपकी अभी कुछ बवाल भी हो जाती है, तो नेक्स्ट मोमेंट इट शुड बी एज इज बिफोर 5 मिनट्स। तो ये डेवलप करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी हार्ट में आप लेके घूमोगे उतना आपको ही बर्डन है। सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आपके हार्ट में ही बर्डन आएगा, और वो बर्डन आपको राइट डायरेक्शन में सोचने नहीं देगा। अब अगर सोचोगे नहीं तो यू विल नॉट बी ऑन अ राइट पाथ। थोड़ा ये डिस्कस करने के बाद वी विल कम टू लाइक एक्चुअल मार्केट सिनेरियो व्हाट इन यूएस इन लाइक नेक्स्ट 10 मिनट्स। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू दैट व्हाट आर दी फैक्टर्स। अभी फियरलेसनेस की मैं बात कर रहा था, तो अपने हिस्ट्री में कई कई सारे ऐसी चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। इवन दो वी आर इंजीनियर्स, वी शुड लर्न दोज थिंग्स। मान लीजिए अपने ये सब प्रोफेसर अभी बैठे हैं, वो लोग सब जब टीचर्स डे आता है तो वो सेंटेंस हमेशा यूज करते हैं कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता। अभी आंधी और प्रलय उनके गोद में पलते हैं, राइट? वो सब सब बोलते हैं, सबने सुना है। तो उसका अगर हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो बिगिनिंग जब होता है वो आचार्य चाणक्य के टाइम में होता है। वहां पे दयानंद का जब राज होता है, तो चाणक राजा आचार्य चाणक राजा को आह्वान करता है कि राजा तो जो तुमने किया है, वॉट एवर यू डिड इज रॉन्ग। राजा उनको जब चैलेंज करता है कि तू यू टेक योर स्टेटमेंट बैक, अदरवाइज आई एम गोइंग टू किल यू, एट एट दैट टाइम आचार्य चाणक्य इज सेइंग बैक, टेलिंग बैक टू द किंग, सेज हे किंग, इवन दो यू किल मी, वॉट यू डिड इज रॉन्ग इज नेवर गोइंग टू बी ट्रू, एंड ही किल आचार्य चाणक्य। एट दैट टाइम चाणक्य वॉज 7 ईयर ओल्ड। ही सीन द किलिंग ऑफ हिज फादर एंड ही देन डिसाइडेड नॉट टू टाई हिज हेयर्स अंटिल ही डिस्ट्रॉयज द होल नंदवंस, द होल एम्पायर। एक 7 साल के बच्चे के लिए ये प्रण लेना एक छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन वो उनके लिए जीने का एक अंगारा मिल गई थी। ही वॉज लिविंग फॉर दैट रीजन। तो आग होनी चाहिए, किसी भी तरह से आग होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वेन ही ग्रू अप एंड ही बिकम्स अ फुल प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी दी देन टाइम, ही वॉज गोइंग बैक टू द किंग्स सभा एट दैट टाइम टू डू लाइक धर्म सभा, वो आई थिंक वो बोल रहे थे धर्म सभा के नाम पे। तो उसमें जब दयानंद वॉज आस्किंग सम क्वेश्चंस एंड ब्राह्मिन्स एंड दिस प्रोफेसर्स आर आंसरिंग दोज क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट इम्प्लोडेड, एंड किंग दयानंद वॉज सेइंग दैट ऑल द ब्राह्मिन्स लाइक ऑल द एजुकेटेड लाइक ऑल द इंटेलेक्चुअल्स, यू आर ऑल इंटेलेक्चुअल्स आर लिविंग ऑन माई रोटीज एंड माई माई मनी। आचार्य चाणक्य वो स्टार्टेड वॉकिंग आउट ऑफ दैट सभा। किंग फील लाइक इंसल्टेड एंड एट दैट टाइम द आर्ग्यूमेंट कम्स अप एंड आचार्य लाइक चाणक्य सेज सेज हे राजा धनानंद, इफ आई डू हैव पावर इन माई एजुकेशन एंड माई एजुकेशनल पावर, तो वो हिंदी में बोलता है कि जब, या उनकी भाषा में जब बोलते हैं कि हे राजा दयानंद, अगर मेरी शिक्षा में सामर्थ्य है तो मैं मेरा भरण पोषण करने वाले कई धनानंद खड़े कर दूंगा।
तो ये एक छोटा सा सेंटेंस है, इसी के कारण उसके बाद में सब बोलते हैं कि शिक्षक सामान्य कभी नहीं होता है, आंधी और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। सो ये हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, सोशियोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो जब इंजीनियरिंग करते हो तो साइड में वो सब भी देखते रहना पड़ेगा पड़ेगा कि फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस शुरू में क्या होगा कि जब आप फाइनेंस करोगे तो आप अपने खुद ही करना पड़ेगा, आप फाइनेंशियल एडवाइजर या कोई अकाउंटेंट या चार्टर अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑल योर सिचुएशन योर सेल्फ। और ग्रुप में करते हैं तो दो तीन चार लोग साथ में अगर होते हैं तो ग्रुप करके कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग समथिंग और यू कैन स्टार्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। अभी जब बिजनेस शुरू करते हैं आप, स्मॉल बिजनेस अगर आपने शुरू किया है, तो हम लोग जब इंडिया में, वी आर नॉट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि हम तो पूरा सोशलाइज्ड और लाइक स्मॉल स्कैटर्ड बिजनेस वर्ल्ड में आते हैं, लाइक छोटे 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 बिजनेस, और एक एक बिजनेस का दूसरे के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई रिलेशन नहीं, देर इज़ नो ट्रस्ट रिलेशनशिप। मान लीजिए आपने एक शॉप खोला है या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला है, और मैं कानपुर में बैठा हूँ या मैं बेंगलोर में बैठा हूँ, तो देर इज़ नथिंग डन बाय दी गवर्नमेंट सो फार दैट यू कैन ट्रस्ट मी सिटिंग इन बेंगलोर विदाउट मीटिंग यू एनी टाइम इन योर लाइफ एंड वी कैन स्टिल डू बिजनेस। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट लाइक 1 रुपीज, 2 रुपीज और 1,000 रुपीज बिजनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी करोड़ बिजनेस इवन दो वी नेवर मेट। तो ये पूरा इम्पैक्ट जो है, सोशल इम्पैक्ट इज गोइंग टू चेंज स्लोली एंड स्टडली एज द पीपल एंड कमिंग टूगेदर। पर ये अपना एक लैक पॉइंट है कि भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये हमारा नेचुरल फिनोमिना है कि भी आई कैन नॉट ट्रस्ट यू एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट मी अंटिल वी मीट इच अदर एंड वर्क टूगेदर फॉर सेवरल मंथ्स और सेवरल ईयर्स। यूएस का कॉरपोरेट वर्ल्ड ऐसा है कि पूरा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, तो मेरा बिजनेस का भी हिस्ट्री रहता है, मेरा पर्सनल भी हिस्ट्री रहता है। वेन यू ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट और आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू इन डूइंग बिजनेस, मेरा पर्सनल हिस्ट्री कई सालों का रहता है, आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, मेरा बिजनेस का भी हिस्ट्री रहता है। तो बिना देखे, बिना किसी को मिले हुए भी कई सारे बिजनेस यहाँ पे होते हैं, चलते हैं, और देर इज अ गुड ट्रस्ट एस्टाब्लिश विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट और साइंड पेपर और साइंड डॉक्यूमेंट्स। अपने वहाँ पे भाई ऐसा कुछ डेवलप करना पड़ेगा या फिर ग्रुप डेवलप करने पड़ेंगे कि एक बार शुरू होने के बाद यू कैन एक्सपांड आउट, उसी में ही आपका जो वैल्यूएशन है या प्रॉफिट है या बिजनेस का एक्चुअल आउटकम है या एक्सपांसन है, उसी से में ही आएंगे। क्योंकि आप जब छोटे लेवल पे काम करते हो, मान लीजिए आपने एक छोटा सा कंपोनेंट बनाया, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने वायर बनाया या स्विच बनाई, अगर वायर या स्विच आप सिर्फ अहमदाबाद में बेचेंगे तो अहमदाबाद में तो कई सारी कंपनीज के वायर या स्विचेस बिकते होंगे, आपको एक्सपांड आउट करना ही पड़ेगा, पूरे देश में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर को भी जानना पड़ेगा। तो वो सब पूरा बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब आपको डेवलप तो करना पड़ेगा, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली यू कैन एक्सपांड आउट। या फिर अपने खुद के भी शोरूम ओपन कर सकते हो, खुद के भी आउटलेट्स ओपन कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड मनी यू मेकिंग और द बिजनेस यू आर डूइंग इन दैट पर्टिकुलर लोकेशंस, और डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू आर मेकिंग एट अ टाइम। जब आप बिजनेस करते हो तो उसमें जॉय होना बहुत ही जरूरी है, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको हैप्पी होना मांगता है। इफ यू आर नॉट हैप्पी देन इट्स अ बर्डन एंड दैट बर्डन विल क्लियरली गो ब्रिंग योर बिजनेस डाउन इन अ लॉन्गर रन। प्रॉफिट तो होना ही है, होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, पर उसके साथ में प्रॉफिट एक चीज है, प्रॉफिट डिफाइंड एज द मनी यू रियलाइज्ड एज अ मार्जिन्स ऑन अ प्रोडक्ट यू सेल। बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशन इज डिफरेंट, वैल्यूएशन आपके कंपनी का टोटल जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर आएगा। मान लीजिए आपने कोई छोटा सा बिजनेस शुरू किया, उसका टोटल टर्नओवर है 1 करोड़ रुपया, इन दैट यू मेकिंग 20%, सो यू मेड 20 लैक्स लेट अस से। पर अगर कल ये कंपनी आप पब्लिक लिमिटेड करते हो या प्राइवेट प्लेसमेंट में जाते हो, तो वो 20 लाख का प्रॉफिट आपके कंपनी का वैल्यूएशन 10 गुना करेगा, मतलब 2 करोड़ का आपका कंपनी का वैल्यूएशन है। व्हाट दैट मीन्स, आपको अगर कंपनी आज बेचनी है तो कोई भी आपको 2 करोड़ लेके जाएगा।
तो उसी साइड में भी आपको काम करना पड़ेगा कि वैल्यूएशन हम कैसे बढ़ा सकें। आपको जान के हैरानी होगी, टेस्ला कार का आपको आपने नाम सुना होगा। टेस्ला इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एंड बेस्ड इन यूएसए। दे आर सेलिंग 500 कार्स दिस ईयर। टेस्ला की कार की कीमत होती है $80,000 से $120,000 रफ रेंज। इट इज सेड एवरी कार टेस्ला सेल्स, एवरी कार दे सेल्स एवरेज $100,000, द वैल्यूएशन ऑफ द टेस्ला गोज अप बाई $800,000। तो ये भी एक गेम है, सब लोग ये खेल नहीं सकते। किसको किस में जाना है, वी हैव टू डिसाइड द डायरेक्शंस। समबडी ओनली वॉन्ट टू वर्क ऑन अ एब्सोल्यूट प्रॉफिट, समबडी माइट बी थिंकिंग ऑन अ वैल्यूएशन, समबडी थिंकिंग मे बी ऑन अ सोशल इम्पैक्ट कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, हम देश को क्या दे सकते हैं। समबडी इज ओनली थिंकिंग ऑन अ फैमिली इम्पैक्ट कि हम फैमिली को कैसे कर सकते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर थिंकिंग भी मैं ये करूंगा तो मेरा फैमिली का ये होगा, ये करूंगा ये करूंगा, पर हमें बड़े पैमाने पे लाइक वी हैव टू थिंक ऑन अ लार्जर स्केल ऑल्सो दैट हाउ कैन वी हेल्प द कंट्री। उसमें नेशनल डिफेंस अकेडमी के बाहर का जो गेट है उसमें जो लिखा है, आई ऑलवेज एडमायर ऑफ दैट स्टेटमेंट, नेशन फर्स्ट सोसाइटी सेकेंड एंड माई फैमिली लास्ट। आई ऑलवेज पुश दैट एंड इट शुड बी देयर एट द बॉटम ऑफ योर हार्ट ऑल द टाइम कि वेन नेशन कम्स वी मस्ट हैव टू स्टैंड सॉलिड एंड वी हैव टू पुट दैट फर्स्ट। सो दैट वे इट विल लाइक ये जो सोचे हैं ये सब सोच है, इसमें कुछ करना नहीं है, बट दोज थॉट प्रोसेसेस विल कीप यू अवे फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग और दोज फोर्सेस विल कीप यू लाइव बर्निंग फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि जब अंदर से जलन खलास खत्म हो जाएगी या अंदर से फायर आपका खत्म हो जाएगा, देन आई डोंट थिंक देर इज लेफ्ट एनीथिंग इन योर बॉडी। यू विल बी लाइक अ डेड पर्सन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। कई बार हम देखते हैं कई लोगों को, मतलब कोई सुस्ती नहीं है, कोई समझ ही नहीं है क्या करना है, क्या कर रहे हैं, बस वो करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, जस्ट केम इन एंड फिनिशिंग द लाइफ। तो ये नहीं होना चाहिए। जॉयफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जॉयफुलनेस अगर हम जो काम करते हैं वो वाइस वर्सा है, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी को जो काम चाहिए वही मिले। हमें जो काम मिला है उसको हमें चाहना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट लविंग अवर लविंग वॉट वी डू। इवेंचुअली इट विल बी आपके थॉट प्रोसेस में आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि यही करना है, यही यही करते रहेंगे और ऐसा ही करते रहेंगे। और ये सब करने में एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सराउंडिंग एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइंस्टाइन सेड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, लाइक इफ यू डोंट एक्सप्लेन समथिंग वेरी इजी देन यू डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग्स वेरी वेल। सो वेन यू आर लीडिंग अ बिजनेस और वेन यू आर हेडिंग अ बिजनेस और वेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट, ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दोज कंपोनेंट और मटेरियल और सर्विसेस और वॉट एवर यू आर, लाइक ऑनलाइन बिजनेस और आईटी, और यू हैव टू अंडरस्टैंड बैक एंड एंड फ्रंट एंड हाउ इज गोइंग टू वर्क ऑल थिंग्स। बाद में कोई आदमी काम करता है तो ठीक है, पर मैं उसमें एक सिंपल, क्योंकि आई एम अ सन ऑफ अ फार्मर, आई एम ऑलवेज यूजिंग दिस सेंटेंस कि अगर खेती करनी है तो खेडूत तो बनना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट बी अ फार्मर विदाउट डूइंग हार्ड वर्क। तो ये जो है हमारी सोच, हमारा डेली थिंकिंग प्रोसेस, कई, आई एम नॉट सेइंग माइट बी यू हैव दोज थिंग्स, मे बी यू हैव दोज थिंग्स, बट बहुत सारे लड़के बहुत सारे बच्चे हमारे वहाँ एक ही बात सोचते हैं कि हमें जॉब मिल जाए तो हमारी लाइफ सेटल हो जाए, हमें ये हो जाए तो हमारा काम खत्म हो गया। तो ये जो सोच बना रखी है उसके कारण होगा क्या कि आपको वो लेवल ही, यू विल नॉट गोइंग टू फाइंड समथिंग आउटसाइड योर वर्ल्ड। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ने के बाद आप लाइब्रेरी में जाके बैठिए फ्री टाइम में। आप डोंट स्टडी इंजीनियरिंग ऑल द टाइम, स्टडी एवरी सब्जेक्ट, लाइक इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहिए, गुजराती की स्टोरीज जो है लाइक नवल कथा है वो सब भी पढ़नी चाहिए। आपको पास्ट भी पढ़ना चाहिए कि पास्ट कितना भव्य था इंडिया का। वो लोग जब आप 60, 80, 100, 200, 500, 1000 ईयर्स बैक की जब बात सोचते हैं तो हमें वो सब करेज देता है कि हम भी ये कर सकते हैं। इन लोगों ने ऐसे कुछ इक्विपमेंट या कुछ इंजीनियरिंग का नॉलेज या कुछ नहीं था तो भी ये सब किया,
तो हमारे पास तो ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटराइज सोसाइटी है, हम सब कुछ कर सकते हैं, पीपल भी मिल सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तो ये सब आपको करेज देगा, आपको सब ड्रीमिंग का एक चॉइस देगा। इंजीनियरिंग पूरा पढ़ने के बाद उसमें जब भी आप जो भी रियल फील्ड में जाते हो, अपने प्रोफेसर भाइयों को जो भी साथ में है वो भी, दे आर ऑल्सो थिंकिंग दी इंजीनियरिंग इज नॉट ओनली देयर लाइफ पार्ट, मोस्ट ऑफ देयर पार्ट इज देयर डूइंग माइट बी एडमिनिस्ट्रेशन, दे माइट बी डूइंग देयर फाइनेंसिस, और जब फैमिली रन करना है तो फैमिली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो उसके में भी प्लस माइनस करना पड़ेगा, घर लेना है, घर लिया है, घर लेना है या बड़ा लेना है छोटा, सो ऑल दो देर आर थिंग्स, सो इट इज वॉट यू लर्न वॉट यू स्टडी इज मे बी गोइंग टू बी ओनली 10% ऑफ योर लाइफ, 90% विच वी नेवर टचिंग इन अवर ड्यूरिंग अवर प्राइम टाइम वी आर गोइंग टू फेस दोज थिंग्स। तो वो सब सी हमें एकदम छोटे बच्चे की तरह कुछ भी काम, मान लीजिए आप, मैं ये 100% प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक एनी बडी ऑफ यू हैज वेंट टू दी वेजिटेबल मार्केट टू बाई सब्जीज फॉर योर मदर्स एंड फॉर योर फैमिली। आई थिंक यू शुड डू दैट, यू विल लर्न हाउ दोज हॉकर्स एंड हाउ दी पीपल एट द सब्जी मंडी आर सेलिंग सब्जीज, हाउ द सब्जीज आर कमिंग, सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ अ बिजनेस, वी नीड टू गो एवरी प्लेसेस, हाउ द बिजनेस ऑपरेट्स। वो छोटा बिजनेस है, वो रोज का शायद उनका 1,000-2,000 रुपये का बिजनेस होगा, लेकिन उसके थॉट प्रोसेस पे, उसके जो स्टाइल है, उसके आधार पर आप 2 लाख, 20 लाख, 20 करोड़, 200 करोड़, 2,000 करोड़, 2 लाख करोड़ का बिजनेस आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। बेसिक फंडामेंटल वही है कि आपको प्रोक्योर करना है, आपको बेचना है प्रॉफिट के साथ में, या फिर आपको खेती करना है, आपको प्रोड्यूस करना है, और प्रोड्यूस करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना है, और डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लाके मार्केट में बेचता है। तो बेसिक लाइन जो है, फार्मर्स मार्केट है अपना, सब्जी मंडी, इट्स ऑल्सो बिजनेस, बट अनफॉर्चुनेटली वी पीपल आर थिंकिंग ओ ये मेरा काम नहीं है, ये काम नहीं है, तो भी आप जाइए, आप देखिए वो कैसे ऑपरेट होता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो सब्जी आती है, कैसे वो जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जी मंडी, यू कैन गो अदर मार्केट्स ऑल्सो, बट यू नीड टू गो एंड फिजिकली वॉच हाउ दिस पीपल्स आर ऑपरेटिंग। यहाँ पे यूएस में तो पूरा सिस्टम होता है सिलेबस में भी, आपको शेडो करना है, कई बार वो देते हैं कि आपको पीपल जो है उनको शेडो करना है, तो आप करेंगे कुछ नहीं। मैं मानो कि कंपनी का सीईओ हो, तो आप मेरे मेरी ऑफिस में ही 10 दिन बैठेंगे, आप सिर्फ वॉच करोगे मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब्जी वाले का जो कम्युनिकेशन जो स्टाइल है, वो कम्युनिकेशन स्टाइल आप सीईओ ऑफ द कंपनी कैन नॉट यूज इट। आप सामने वाले का जब तक स्टेटस या उनका बिजनेस का एबिलिटी आप समझोगे नहीं, और स्मोदरनेस ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट देयर, इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो वो सब आपको सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन भी सीखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी सीखना पड़ेगा, फाइनेंस भी सीखना पड़ेगा, सब्जी मंडी कैसे चलती है वो भी सीखना पड़ेगा। तो आप थोड़ा टाइम उसमें दीजिए, वो उससे आपको वो एनवायरमेंट जब देखोगे, व्हेन यू सी दोस काइंड ऑफ एनवायरमेंट, यू विल लर्न, यू विल सी एंड यू विल गेट समथिंग फ्रॉम योर इनसाइड दैट ओ या मैन वी कैन डू दिस, दिस इज वेरी इजी, सो दैट विल हेल्प यू गेट अंडरस्टैंड दोस इजीनेस। अदरवाइज जब तक आप खेत में जाओगे ही नहीं, तो आप सोचोगे यार खेती करना तो बहुत ही मुश्किल है, पर जब आप सीधे दाना डालना शुरू करोगे तब आपको मजा आएगा, एंजॉयमेंट और जॉय तब आएगा। आपने दाने तो डाल दिए, लेकिन दाने में से जब अंकुर फूटते हैं तब का जो जॉब है, जॉय है, यू विल नॉट बिलीव इट, आई सीन इट, और आई सीन इट इवन टूडे ऑल्सो, आई एम ग्रोइंग सम वेजिटेबल्स इन माई बैकयार्ड्स, यू विल नॉट बिलीव मी, मी एंड माई वाइफ आर गोइंग एवरी डे टू सी दैट बैकयार्ड वेयर दे आर। सो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको जीने का अंदाज, जीने का कोई रास्ता बताएगी। दिस इज द पाथ वी शुड वॉक एवरी डे। नाउ द स्केल एंड कल्चर, स्केलिंग अगर करना है तो इनिशियली देर विल बी अ कंस्ट्रेंट। बिजनेस में जो कंस्ट्रेंट रहते हैं वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, फाइनेंशियल से सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है मैन पावर कंस्ट्रेंट। आपको आई एम नॉट टॉक अबाउट मैन पावर मीन्स अपने वहां तो बहुत लोग हैं, मैन पावर हु अंडरस्टैंड सी रिप्लीकेट योर थॉट टू समवन एल्स माइंड इज नॉट पॉसिबल, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट, मेरी जो सोच है वो रिप्लीकेट करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, तो वो मेरी जो सोच है उसको रिप्लीकेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको समझने वाला आदमी चाहिए।
एंड दैट इज वेरी स्केयर टू फाइंड, आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा ढूंढना पड़ेगा। तो अगर दूसरा है ह्यूमन पावर, फर्स्ट इज मनी मैन पावर, और दूसरा तीसरा है स्पेसिंग्स या जगह की जरूरत जो होगी या रियल एस्टेट की जरूरत होगी, और चौथा जो आएगा वो अपना गवर्नमेंट का जो कागजात है वो सेटअप एस्टेब्लिशमेंट डॉक्यूमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन का है। चौथा तो बहुत ही सिंपल है, आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, गवर्नमेंट के सो मेनी स्कीम्स आर देयर फॉर एमएसएमई। तीसरा जो है स्पेस का, तो आप कहीं पे भी मैनेज कर सकते हो, या फिर ग्रुप में, या फिर रेंट पे ले सकते हैं, कैसे भी। आई थिंक देर आर सो मेनी स्पेसिस अवेलेबल, आई एम नॉट करंटली अवेयर ऑफ द सिचुएशन अवेलेबल इन इंडिया, बट यू कैन डेफिनेटली गो इन टू दैट एंड फाइंड आउट दोज थिंग्स। एंड मैन पावर इनिशियली मैं ही खेडूत, मैं ही मजदूर, और मैं ही बिकने वाला लाइक फार्मर्स का, मंडी का जो व्यापारी हूँ, वही शुरू में वो करना पड़ेगा। ग्रुप में दो तीन लोग हो गए अगर हुए हैं तो सब कुछ, मैन पावर का प्रॉब्लम इनिशियली वी कैन रिजोल्व बाय रिड्यूसिंग दैट, और यू कैन हायर द पीपल एज एंड व्हेन यू नीड इट फॉर सपोर्ट लेबर और सपोर्ट वर्क। पैसे के लिए शुरू में आपको गिनना पड़ेगा मुझे कितने पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे। देर आर सो मेनी पीपल अवेलेबल, सो मेनी थिंग्स अवेलेबल, लाइक यू कैन पुट दैट इफ द आइडिया इज राइट, इफ द प्रोजेक्ट इज राइट, उसमें सब में वही बात आती है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट इजी टू मी, आई एम गोइंग टू थिंक दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू ट्राइंग टू डू। द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग मी इजी, आई डोंट थिंक एनी हर्डल स्टेज देयर। आप अगर मुझे सिंपल से आके समझाओगे, आई एम टॉक अबाउट नॉट मी एनी बॉडी, आप अगर सिंपल से जाके समझाओगे, या बैंकर्स होगा, या पर्सनल फाइनेंस होगा, या आपका फैमिली, अगर वो बात एकदम सिंपल आप समझा सकते हो, तो वो पैसे लाने में कोई दिक्कत नहीं है। पैसे के कारण कभी कुछ अटकता नहीं है। अगर हमें समझ नहीं होगी और हम जाके बोलेंगे हमको 10 लाख दे दो, हमें जो भी करना है वो हम अपने आप करेंगे, तो इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो वी मस्ट लर्न अवर प्रोफेशनल वेज टू प्रेजेंट अवर प्रोजेक्ट, एंड वी डीपली अंडरस्टैंड वॉट वी ट्राइंग टू डू। एंड इफ यू ट्राइंग टू डू समथिंग और चेंज इज समथिंग, और यू फाइंड समथिंग लाइक रिसर्च ऑफ डेटा एंड रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट इट सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट में कोई चेंजेस किए हैं या ऑगमेंटेशन किया है, हम मानते हैं पूरे टाइम में कि भी सब कुछ जो ढूंढना था दुनिया में वो सब ढूंढ लिया गया है, तो हमें कुछ करना नहीं बाकी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि व्हेन एवर रिसर्च कम्स वी आर थिंकिंग वेरी बिग, लाइक रिसर्च की बात जब आती है तो वी आर थिंकिंग सो हाई कि भी हमें रॉकेट बनाना है और रॉकेट से भी बड़ा रॉकेट बनाना है, ऐसी बात नहीं है। छोटे से छोटी लाइक पेन में, जब शुरू में जब पेन आया था तो सिंपल लो इंक पेन था, उसमें किसी ने बॉल पेन लगाया, बॉल पेन के बाद में किसी ने वो टर्न ऑफ और टर्न ऑन करने वाला भी बताया, टर्न ऑन टर्न ऑफ करने में कई सारे मैकेनिज्म लगाए, उसमें भी आपने कोई नया मैकेनिज्म ढूंढा है, आप अगर ढूंढ लेते हैं, आप सोचते हो आप कौन। इसमें ये आएगा, आप पेन के साथ अगर जीना शुरू कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये कर सकते हैं, और जैसे भी कुछ नया आता है तो दैट बिकम्स अ आइडिया फॉर द बिजनेस। एक मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्विच के साथ अगर आप उसके साथ खेलते जाओगे, जीते जाओगे, तो आपको पता चलेगा इसमें ये भी कर सकते हैं जो किसी ने किया नहीं अभी तक, और अगर आप वो कर सकते हैं तो यू विल बी द लीडर इन द मार्केट। आप उसके लिए पैसे लेने जाओगे तो कोई आपको रोकेगा ही नहीं, आपके पास मार्केट भी ओपन है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका, वो भी आपको सामने से इनवाइट करेगा कि आओ हमें वो प्रोडक्ट दीजिए। आप उसके लिए पैटर्न भी फाइल कर सकते हैं, और पैटर्न फाइल करने में इंडिया में अभी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन नाउ इट इज मेड सो मच इजी, आप अपने आप भी कर सकते हो, या देर आर सो मेनी पैटर्न फैसिलिटिंग सेंटर्स, सो यू कैन प्रोटेक्ट योर इन्वेंशन ऑल्सो बाई बाई डेट वे। इन्वेंशन मीन्स इज नॉट अ लार्ज इन्वेंशन, इट्स वेरी इट मे बी अस वेरी स्मॉल इन्वेंशन। सी इनिशियली आई डोंट हैव दैट थिंग, बट आई करंटली हैड टू ऑलरेडी पैटर्न ग्रांटेड, एंड आई हैड लाइक फोर पैटर्न इन द पाइपलाइन, सो आई एम डूइंग दैट, आई एम प्रोटेक्टिंग माई इन्वेंशन। इट्स इन्वेंशन इज नॉट बिग, इट्स लाइक अ स्मॉल चेंजेस। पेन जो है पेन तो है ही, लेकिन उसमें ऑपरेशन में मैंने थोड़ा चेंज किया है, वो माइनर चेंज है, तो वो माइनर चेंज इज इन्वेंटेड इन्वेंशन एंड यू कैन प्रोटेक्ट दैट थिंग्स। मार्केट की जो बात है, अभी यूएस का मार्केट अगर टारगेट करना है तो वी मस्ट रिसर्च डेटा, और उसमें प्रोडक्ट का जो सी, कई बार ऐसा होता है कि वी आर टॉकिंग टू सेवरल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया करंटली फॉर गेटिंग सोर्स टू यूएसए। कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को
सी बिकॉज यू डोंट हैव द डेटा, यू डू नॉट अंडरस्टैंड द वॉल्यूम एंड क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स. अपना इंडिया का माइंडसेट ऐसा है कि मान लीजिए मैं आपको कोई चीज, आप बना रहे हो एक चीज, माने यू ऑलरेडी इन अ मैन्युफैक्चरिंग, और मैंने आपसे प्राइस पूछा भी इसका क्या प्राइस होगा. मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया करंटली आस्किंग मी कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, और मैं जब वॉल्यूम बताता हूँ तो कई बार वो मुझे पागल भी समझते हैं कि ये इसका क्या करेगा. कई बार ऐसा भी होता है कि दे इवन डोंट अंडरस्टैंड मी, दे डोंट वॉन्ट टू गिव अस अ प्राइस. अगर प्राइस भी दे दिया है तो दे थिंक लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम ऑर्डर 2-3-4 दिन में या 2 वीक में आ जाएगा. तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर के, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक द मैन्युफैक्चरर्स हु आर टर्निंग अराउंड लाइक 2 करोड़ और 5 करोड़ अ ईयर. आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनीज हु आर डूइंग 1000 करोड़ टर्नओवर्स ए ईयर इन इंडिया और मे बी मोर. उनको भी वो समझ नहीं है क्योंकि उनका यूएस का एक्सपोजर है ही नहीं. वो यूएस में ऐसा समझते हैं कि यूएस में सब कुछ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, सब कुछ ये चाहिए. हम यूएस में नहीं जा सकते. यूएस में जा सकते हैं, वेरी इजी टू कम इन. यूएस मार्केट इज वेरी इजी, इट इज ऑल सर्टिफाइड, लाइक इट इज ऑल प्री डिफाइंड हो. सो इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड. इफ यू मेक समथिंग विच एक्सेप्टेड इन टू यूएस मार्केट, यू विल बी गोइंग टू लाइक प्रॉस्पर वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फर्नीचर का मार्केट अपना इंडिया में तो फर्नीचर होगा, अभी बहुत सारे लाइक सिटीज में और वहाँ पे घर में फर्नीचर लगाना शुरू किया है. मोस्टली इट इज कस्टम मेड फर्नीचर. यूएस का मार्केट जो है फर्नीचर का, लाइक दे आर इम्पोर्टिंग जस्ट लाइक फ्लोर टाइल्स 1,50,000 कंटेनर का इम्पोर्ट है साल का. 1,50,000 कंटेनर्स इन अ ईयर यूएस इम्पोर्ट द फ्लोर टाइल्स. हम बोलते हैं कि मोरबी कितना बड़ा है टाइल्स का. हम जब बात करते हैं तो मोरबी बोलते हैं कि दुनिया का सिरामिक टाइल्स का हब है. 1,50,000 टाइल्स के जो कंटेनर आते हैं उसमें से सिर्फ 1500 कंटेनर इंडिया से आते हैं. इज लाइक नॉट इवन 1%. एग्जैक्टली इज 156,000 कंटेनर्स. तो सी, हम जो जब मोरबी की बात करते हैं तो बोलते हैं कि मोरबी में लाइक कजरिया है, बेल सिरामिक है, या सेहरा है, या देर आर सो मेनी कंपनीज, वी आर टॉकिंग टू ऑल दोज. बट जब वो बोलते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं कंपेयर टू वॉट, तो हमने एक मान लिया है कि मैं बड़ा हूं किस से, तो कि एक्स से. वो सोच ही बना नहीं है, मैं बड़ा हुई नहीं, मैं हूं वो हूं, मैं ना किसी से बड़ा ना किसी से छोटा, वी आर इक्वल. तो वो जब सोच आ जाती है कि मैं बड़ा हूं, तो फिर आपका जो 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 थॉट प्रोसेस है वो वहां से क्लोजर होना शुरू हो जाता है. तो आपको एक्सपांड करने का सोच बंद हो जाता है. आप सोचते हैं कि मैंने तो कर लिया, अब मेरा बहुत, अभी कुछ आगे करना नहीं है. पर आप उसमें वो कर सकते हैं कि आप उसको सिर्फ, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपने टारगेट किया कि वो 500 करोड़ का करना है, 500 करोड़ का आपका हो गया बिजनेस, बाद में यू शुड डेलीगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू कैन गेट आउट ऑफ द बिजनेस एंड वर्क ओनली पार्ट टाइम. सो द इन ड्यूरिंग पार्ट टाइम यू कैन हेल्प अदर पीपल टू स्टार्ट अप अ बिजनेस, और यू कैन डू योर ओन पर्सनल एंटरटेनमेंट और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, लाइक रिटायर लाइफ और वॉट एवर. बट वो कल्चर अभी इंडिया में आना बाकी है. लाइक सब कुछ पूरा आपने शुरू किया तो वो पूरा एंड तक वही चलाते रहते हैं, चलाते रहते, चलाते रहते हैं, और किसी दूसरे को अंदर एंटर करने के लिए चांस ही नहीं है. या फिर जैसे पॉलिटिक्स में है, ऐसे भी बिजनेस में भी है, भी इट्स लाइक अ इनहेरिटेड टू दी नेक्स्ट जनरेशन. तो ये सब यूएस में नहीं है, ये चेंज चेंज होगा स्लोली एंड स्टडीली. इंडिया में भी होगा, लाइक जैसे टाटा सन्स का एम्पायर है दूसरे के हाथ में, लाइक मैनेज में जाएगा. ऐसे हमें भी सोचना है वही, कि अपनी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए, पर वी हैव टू टेक अ स्मॉल स्टेप टू रीच दैट थिंग्स. यूएस का मार्केट की जब बात करते हैं तो यूएस इम्पोर्ट 20 लाख कंटेनर है उसका इम्पोर्ट हर महीने का, 20 लाख कंटेनर. और 20 लाख कंटेनर में से चाइना इज कंट्रोलिंग अबाउट 70% प्लस कंटेनर्स. तो आप मानिए 1,40,000 कंटेनर, लाइक 14 लाख कंटेनर हर महीने के चाइना से बाहर आते हैं. तो ये सिर्फ नंबर्स में इसलिए दे रहा हूँ, 1,40,000 कंटेनर, सॉरी 14 लाख कंटेनर हर महीने अपने इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करना है, मान लीजिए उसका 10% है, 14,000 कंटेनर
हर महीने करना है तो अपने पोर्ट भी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग वेरी हार्ड, पर ये एकदम इमीडिएटली होने वाला नहीं है, वो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में ये सब कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और वी विल कम टू दैट लेवल। तो अभी नेक्स्ट 10 ईयर्स इज आवर्स, लाइक इंडिया इज पॉइज्ड टू बी सेट एज द लार्जेस्ट नेक्स्ट मार्केट, देर इज नो डाउट अबाउट इट, वी हैव ऑल द कैपेबिलिटीज एंड देर इज नो बडी इन द वर्ल्ड डाउट फॉर दैट, और इट विल ब्रिंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज विच इवन यू आर नॉट एबल टू थिंक ऑफ एट दिस पॉइंट, बट द नेक्स्ट 10 ईयर्स आर आवर्स। सो एवरीबडी दोज हू वॉन्ट टू स्टार्ट बिजनेस, यू माई कैन स्टार्ट एंड इट स्लोली एंड स्टडी। एवरी बिजनेस में लाइक एक स्टेटमेंट है कि इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस यू हैव टू गिव 1,000 डेज, दैट मीन्स 3 ईयर्स यू विल नॉट सी एनी प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स, बट जो 3 साल का जर्नी जो रहता है उस जर्नी में आपने इतना कुछ सीख लिया होगा कि आप अपने 25 साल का जो टीचिंग लाइक 17 साल का जो एजुकेशन है वो सब भूल जाओगे आप, वो 2 ही साल में या 3 साल में आपने इतना सीख लिया होगा क्योंकि यू आर नाउ नाउ यू आर प्लेइंग विद रियल लाइफ। तो हमें ये करना है, रियल लाइफ के साथ अगर प्ले शुरू करना शुरू कर दोगे तो आप वही आपका टीचर हो जाएगा, वही आपको सिखाता जाएगा और वही दिस विल ऑल्सो कीप ऑन गोइंग, लेट यू कीप ऑन गोइंग। अभी एक दो क्वेश्चन लेते हैं, बाद में अगर टाइम बचता है तो वी कैन गेट टॉकिंग मोर। So I request participant, as sir has told us that the burning desire is the main driving source to develop an enterprise. Still, any participant has any doubt, they can allow to ask one by one. Anyone want like to ask anything? अरे सर, हियर वी आर पटेल फ्रॉम एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज। हाउ आर Hey यू Ziya, how are सर? you? आप बस फाइन सर। अरे एक Yes, sir. क्वेश्चन है सर, Yeah, go ahead. इंडिया में क्या है, पेमेंट पॉलिसी में हम क्रेडिट रखते हैं, 3 महीने का क्रेडिट रखते हैं, ठीक है, तो उसमें फ्रॉड होने का ज्यादा वो चांसेस रहता है, तो करेक्ट। यूएस में पेमेंट पॉलिसी क्या है? सपोज हम कुछ मैन्युफैक्चरर है और कुछ गुड्स देते हैं किसी कस्टमर को, तो पेमेंट इंपोर्ट पॉलिसी का एक्सपोर्ट क्या में, उधर रहता है? हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लेट मी एक्सप्लेन यू दोज थिंग्स। सी इसमें वी व्हेन वी लुकिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स यू विल ऑल बी सरप्राइज एंड शॉक्ड कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ चाइना हैज कॉम्प्लिसिटली प्लेड अ वेरी बिग रोल इन डेवलपिंग देयर एम्पायर, तो इंडिया इज ऑल्सो कमिंग अप ऑन दैट साइड। सो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो यूएस में तो इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, ठीक एक्जिम है बैंक ठीक है बोलते हैं उसको, सर, राइट? यस यस या दे प्रोवाइड यू इंश्योरेंस, यस यस हाँ यूएस में इंश्योरेंस भी मिलता है कि मान लीजिए मैं इंपोर्टर हूं, मैंने आपके पैसे नहीं दिए, नॉर्मली इट डज नॉट हैपन, बट अगर ऐसा अच्छा होता है तो देर देर इज अ इंश्योरेंस कंपनीज, इट विल चार्ज यू मे बी 1 or 2% ऑफ द प्रीमियम, बट इट विल गेट यू पेड मनी पेड। अच्छा और यूएस का मार्केट देने अगर सर, आप, व्हेन यू सी द यूएस मार्केट इट्स वेरी सीजनड मार्केट। व्हाट आई मीन टू से इज मेरा इतना लाइक हमारे 3 कंपनी का लाइक शायद रफली अबाउट 200 करोड़ अ ईयर, अच्छा हमने अच्छा कभी किसी के हाँ साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। ठीक है हाँ तो यूएस में पैसे जाने का प्रॉब्लम बहुत कम है, लाइक देयर आर वेरी रेयर चांसेस। सर बेसिकली इंडिया सप्लाइज मेनी पेरिसेबल आइटम्स टू गल्फ कंट्री एज वेल एज यूएस, स्पीसीज एंड ऑल दैट, दे आर पेरिसेबल करेक्ट आइटम, सो करेक्ट टाइम दैट विल बी द क्रूशियल इश्यू। करेक्ट सो वंस सम क्वालिटी इश्यू दैट विल प्रिवेल, so at that point of time that deterioration rate of perishable item is very high, so sometimes it has been found that over here we have dispatched a fruitful item but as it is perishable item after long time it will degrade and hence it is not acceptable up to the standard which is fixed by US government. So in Correct, that yes. case what will be the remedial causes which manufacturer can take or the supplier can take? See, all the food products which is coming in must be certified or registered through the FDA, Food and Drug Administration in USA. अपना वहाँ का जो फूड स्टैंडर्ड है, वहाँ का फूड स्टैंडर्ड यूएस का काफी डिफरेंट है। ओके
अपने वहां का जो कंट्रोलिंग है, मैं फार्मिंग साइड पे मैं बात कर रहा हूँ, फार्मिंग साइड पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है इंडिया में, राइट? हाँ तो मान लीजिए मैं फार्मर हूँ, तो यूएस में तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि भाई आपने इंसेक्टिसाइड आपने स्प्रे किया है तो यू कैन नॉट हार्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 4 5 डेज, लाइक उनका टाइम पीरियड रहता है कि डिपेंड्स ऑन इंसेक्टिसाइड्स. ओके एंड बिकॉज ऑफ द फार्मर्स आर मोरल एंड एथिकली साउंड, दे विल नॉट पिक. और वो होता है इसलिए क्योंकि यहाँ का मार्केट पूरा सीजन है. अपने वहाँ क्या होता है कि मैंने खुद देखा है कि मार्केट इतना फ्लक्चुएट रहता है बिकॉज ऑफ द बिचौलियाज, राइट कि फार्मर्स ने कुछ प्रोड्यूस किया है. मान लीजिए अपने केसर मैंगो की बात करते हैं, तो केसर मैंगो आज होगा लाइक 100 रुपये का 20 किलो, कल 300 हो जाएगा, फिर परसों लाइक 50 हो जाएगा. ट्रू सर और उसके कारण क्या होगा कि फार्मर्स को टेम्परेचर आता है, और फार्मर्स फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया होता है तो भी वो हार्वेस्ट कर लेता है, और जब ये यहाँ पहुँचता है तो अगर टेस्ट में फेल होता है तो दे विल नॉट अलाउ इट टू गेट इनसाइड द बॉर्डर, दे विल डिस्ट्रॉय इट. ओके सर इन दैट केस टोटल लेस दैट विल बी बेयर बाय सप्लायर और इज देर एनी इंटरमीडिएटर आर देर हु कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू दैट सप्लायर नो, सप्लायर मे बी गेटिंग पेड अप फ्रंट बट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस. कई बार ऐसा होता है कि भाई प्रोडक्ट पेरिसेबल है, और पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि भाई पास्ट एक्सपीरियंस में ये प्रोडक्ट खराबी हो जाती है और आप यू आर कीप ऑन सेंडिंग दोज बैड प्रोडक्ट्स, देन इट शुड बी अ प्रॉब्लम. इफ यू आर सेंडिंग अ प्रोडक्ट विच नेवर गेट बैड और इट गेट्स एंटर्ड इन टू द यूएस मार्केट इजिली, देन आई डोंट थिंक यू विल हैव पेमेंट प्रॉब्लम एनी सून. पर अगर खराब होती है तो देन विल बी ऑल सप्लायर्स. यस Based on history which you have discussed, sir, if the supplier has a good history in the past years, he has supplied a lot of goods also, perishable item in terms of perishable items, Yeah, and he has a good track record. So, but correct. sometimes it has bound rather than US, but in Arabian countries, many of my basically I am belongs to Bhavnagar. So, big export of this onions and that are they are going to supply it in Arabian countries. Correct. So, more or less, if we supply two, three. Customers or say vegans, so out of one and half they will reject it. Based on that, the quality is degraded. So at that point Okay. of time, heavy loss that will be suffered by that farmer ultimately. Farmer, yes. So in So that nowadays situation, there are some intermediator who are going to correct, resolve it, correct, but still, sir, it is not up to mark. Means the whatever the compensation which farmer correct, should get, it is not up correct, to mark. correct. So now in that case, we have to understand who is the intermediator. तो वो क्या करता है कि इसे क्वालिटी स्टैंडर्ड कंट्रोल, इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसेस. जब ऑनियन हार्वेस्ट होता है तो अपने, इसमें आपकी नहीं मेरी भी सोच वही है कि चलेगा. तो होता क्या है कि मान लीजिए ऑनियन का पूरा, जब वेगन आप फिल करते हो तो एवरी ऑनियन मस्ट पास थ्रू द ह्यूमन हैंड और मे बी पास थ्रू द स्कैनर. वेरी एक्सेलेंट सर अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो दैट ऑनियन मस्ट बी थ्रोन अवे. आपने 1000 किलो पैकेज में से मान लीजिए आपके 100 किलो ऑनियन बिगड़ दिया तो 100 किलो निकाल के साइड में रख, क्योंकि वो 100 किलो आपके 1000 किलो बगाड़ देगा. अपने वहां ऐसा है कि वो फार्मर भी देखता है कि वो ना ये तो छोटा ही है चलेगा, छोटा ही है छोटा है चलेगा, लेकिन जब वेगन में जाता है 20 दिन तो वो बड़ा हो जाएगा. ओके तो वी हैव टू स्ट्रिक्टली अबाइड टू दी लाइक क्वालिटी कंट्रोल ईच एंड एवरी. लाइक यहाँ पे ऐसा होता है कि जब एप्पल का जो यहाँ फार्मिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, या ऑनियन का हार्वेस्टिंग करते हैं, या फिर ये ऑरेंजेस का हार्वेस्टिंग करते हैं, तो एवरीथिंग थ्रू पास थ्रू स्कैनर. उसमें कलर भी अगर डिफरेंट है, लाइक ग्रीन ऑरेंज है, तो वो निकल जाएगा अपने आप वहां से, दे विल नॉट लेट इट गो इन टू द पैकेजिंग. क्योंकि अपने वहां कैसा है कि अपनी एक सोच दूसरी भी है कि इंडिया में कैसा है कि मान लीजिए आप व्यापारी हैं और मैं लेने आया वहां पे, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स थॉट प्रोसेस इज कि मैंने आपकी दुकान में से सामान लिया, मैंने आपको पैसे दिए, फिर आपने बोला मेरा काम खत्म, वो उसने लिया, वो उसकी जवाबदारी है. यूएस मार्केट और अदर मार्केट ऑपरेट कंप्लीटली डिफरेंट. मैं मेरे वहां कोई सामान लाया हूं, अगर खराब है तो मैं कहीं पे भी लेकर जाता हूँ वापस, दे विल टेक इट बैक विदाउट एनी क्वेश्चन. बट सर और इफ एंड दे वी विल टेक कॉट केयर ऑफ ऑन दोस थिंग्स ऑल्सो, फाइनेंशियल दे विल रिपोर्ट एंड दे विल ट्राइंग टू रिजॉल्व दोस प्रॉब्लम. आपने जो दिया कि फार्मर प्रोड्यूस जो है वो डैमेज होते हैं या खराब होते हैं, तो वो दे विल ट्राई टू रिजॉल्व कि नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. सर सो फार फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज कंसर्न वी हैव वैरायटी ऑफ पीपल स्टेइंग टुगेदर इन अ वन कॉमन पूल और से सपोज इफ आई एम बिलोंग्स टू कृष्ण नगर लोकल एरिया सो ओवर हियर ओनियंस आर सेलिंग फ्रॉम 20 रुपीज टू 5 रुपीज
करेक्ट सो सम ऑफ देम आर सेलिंग एट 5 रुपीज, सम ऑफ देम आर सेलिंग 20 रुपीज बेस्ड ऑन क्वालिटी. सो करेक्ट ओवर हियर वी हैव बेस्ड ऑन अवर फाइनेंशियल नीड्स वी कैन अल्टर अवर चॉइसेस. करेक्ट सो इफ सेम ओनियंस कैन बी परचेस्ड बाय लोकल बॉडी और से लोकल पीपल, ऑल एवरीथिंग दैट विल बी गो एंड कंज्यूम. बट हाउ एवर करेक्ट द मोटिव इज टू सप्लाई एक्सपोर्ट. वाई सो? बिकॉज दे हैव वॉन्ट टू अटेन हायर प्रॉफिट मार्जिन. करेक्ट सो दैट्स वाई वंस दैट FSI, फूड एंड ड्रग्स FSI, दे हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड. एंड देन आफ्टर पेरिशेबल आइटम्स इज सेल टू सम अरेबियन कंट्रीज और से वेस्टर्न कंट्रीज, स्टिल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज अकरिंग बाई लार्ज एंड दैट करेक्ट विल हर्ट मैनी ऑफ द फार्मर्स. करेक्ट सो बेस्ड ऑन रियल सेंस एंड गवर्नमेंट शुड टूक सम कॉन्क्रीट स्टेप टू प्रोवाइड अवॉइड दिस. हाउएवर मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर डूइंग दिस अ बिजनेस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, दे आर सर्विंग लोकलाइज फ्रॉम राजकोट एंड ऑल दैट, बट स्टिल दे आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम सिंस लॉन्ग. मीन्स आई एम टॉकिंग करेक्ट फ्रॉम 1990s टू 2010 एंड स्टिल सेम प्रॉब्लम इज अकरिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट टेकिंग द करेक्टिव एक्शन प्रॉपरली. सो एवरी ओके टाइम सो विक्टिमाइज इज अ फार्मर ओनली. करेक्ट या लेट मी कम इन दैट सिचुएशन लाइक सी अपना दूसरा एक सोच ये भी है कि सब कुछ गवर्नमेंट को करना है लेकिन आई आई एडवाइज यू डू वन थिंग आप 1990 से 2010 तक का डेटा लीजिए यू रियलाइज दैट हाउ मच एक्सपोर्ट हैज बीन डन ड्यूरिंग दोज टाइम एंड हाउ मच इज द लॉस अगर आपके पास वो डेटा है तो आप मान लीजिए आपने 20 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है और 2 करोड़ का लॉस है तो आपका 10% लॉस होता है राइट आप अपनी प्राइस 10% बढ़ा सकते हो या फिर 10% इंश्योरेंस में डाल दो तो मैं जब एलडी में था तो मेरा मैं निकल गया वहां से 6-8 महीने में लेकिन मेरा एक सोच था एलडी में अपने वी हैव 300 प्रोफेसर पॉसिबली ओके, मोर देन दैट एंड सर एवरीबडी हैड अ नाउअडेज. कार Everybody is paying 800 rupees for insurance per year. यस सर. That is 24 lakhs. हाँ Right? तो मैं वो बोल रहा हूँ कि आप एक बार मुझे 800 रुपये दे दीजिए मैं आपकी गाड़ी का कवरेज लाइफ टाइम करूंगा किसी की गाड़ी अगर टोटल लॉस हो गई है तो वी विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन वी विल पे यू 240 व्हाट एवर द कार कॉस्ट व्हाट आई एम सेइंग इज वो प्रीमियम भी हाँ अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा ये ओके. छोटी सी चीज है कर सकते हैं हाँ हमें वो पैसे कलेक्ट करके कंसोर्टियम में रखना है कि प्रोफेसर के पैसे हैं उसमें 3 लाख या 30 लाख कलेक्ट हुआ उसमें से हर एक साल का लाइबिलिटी प्रीमियम है 1 लाख रुपए वो हम इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं कि किसी ने किसी को मार दिया या कुछ हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी लेकिन अपने हाँ सेटल मान लीजिए कर देंगे. गाड़ी खड़ी और कोई आके ठोक गया और गाड़ी खत्म हो गई तो भाई फिर इंश्योरेंस के पास जाने की जरूरत नहीं हमारे पास पैसे पड़े ले लीजिए हमारी सोच ऐसी है कि फिर क्या होगा कि अरे यार कुणाल सर की गाड़ी तो 3 साल पुरानी थी उनको पूरा पैसा मिल गया मुझे कुछ नहीं मिला तो वो सोच बदलनी पड़ेगी मेरी गाड़ी चल रही है तो मुझे क्यों बदलनी है उनकी गाड़ी पूरी एग्जैक्टली. टोटल लॉस हो गई तो उसको नहीं मिल रही है तो वो सोच है वो उसी में भी फार्मर्स में भी वही सोच कम्युनिटी और कंपाइल सोच अगर ये डेटा आप गवर्नमेंट के पास लेके जाओगे ना तो भी आपको वो सपोर्ट करेंगे क्या 10% वी विल गेट दिस थिंग्स डन पर डेटा नहीं होगा तब तक डिसाइड करना भी मुश्किल है कि खत्म हो सी प्रॉब्लम अपने वहां कैसा होता है कि फार्मर्स ने 100 वेगन एक्सपोर्ट किए हैं और 100 वैगन के पैसे मिल गए हैं प्रॉफिट मिल गया है तो वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा 101वां वैगन कब खत्म होता है तो बोला अरे मैं बर्बाद हो गया मेरा सब कुछ लूट गया सो दैट थॉट प्रोसेस मस्ट गो वी आर इन बिजनेस देयर इज अ लॉस पॉसिबिलिटी 100 लाइक 50% लॉस पॉसिबिलिटी एंड 50% प्रॉफिट पॉसिबिलिटी राइट ये तो हमारा नेचर है हमारा इंटेलेक्चुअल है कि हम वी ट्राइंग टू कन्वर्ट टू 100% प्रॉफिटेबिलिटी लाइक अगर 90% प्रॉफिटेबल रहते हैं तो आई थिंक वी शुड बी गुड वो हर एक बिजनेस में रहता है हर एक बिजनेस में लायबिलिटी रहता है नहीं एक्जैक्टली सर. या ग्रेट सर. थैंक यू फॉर योर आंसर. हेलो एनीवन हेलो एल्स सर वांट टू आस्क एनीथिंग? यस सर. हां हेलो सर सर वी हैव आवर मैं आपसे हेड जुड़ा ऑफ सा है डिपार्टमेंट चुड़ासमा सर, सो ही वुड लाइक सर टू आस्क यू आई समथिंग. हैव अ स्मॉल क्वेश्चन. हाउ आर यू करेक्ट फाइन फाइन सर वेरी वेरी फाइन सर. आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस. या नाउ डेज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू द यूएस In terms of either the job opportunity or even for business purpose. So according to you, what are the skill sets which can make it easy for the persons who are aiming to go to US? So that, yeah, that things I think we have to give up on coming to US firstly. Okay. We have to make India as a US. Okay.
the way government is acting and government is aggressively going in, possibility, see, there are so many ways. Yes, sir. Yeah. When you grow something, it's going to grow big. When you start a corporation or something, you can definitely open an office in the USA. Okay. Then it will be very easy to manage. और अपने पास में इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा है, लाइक वी आर सो मच इंटेलेक्चुअल पीपल, वी कैन डू सो मेनी थिंग्स एंड इट्स कमिंग, लाइक इट्स स्लोली एंड स्टेडली कमिंग. वी आर गेटिंग लॉट ऑफ, वी आर टॉकिंग टू सेवरल, लाइक अबाउट 300 मैन्युफैक्चरर्स वी टॉक सो फार, वी गेटिंग आवर हेडवेज इन. सो पॉसिबिलिटी इट विल बी ऑल इंप्रूविंग एंड यू नो वंस वी गेट समथिंग डन, यूएस विल हैव टू ओपन अप, दे क्लोजिंग चाइना बिग टाइम, सो इंडिया हैज टू बी गिवन मोर चांसेस. Okay, sir. So, is there any other question from any of the audience? Any student have any questions? Hello, sir. I am Patel, sir. Huh? Makwana here. Yes. Hello. How are you? Fine, sir. Acha, sir. What are the job business opportunity of the our students of electrical engineering? Is the as far as the electrical field is concerned? Yeah, electrical field business subject. Electrical field is very, very, very extremely wide field. Yes, sir. Hardware का जो business है उसमें से electrical consumes like almost 40% of the total volume. अपना US का सिर्फ LED lighting का import है, every year is about $30 billion. $30 billion. Okay. कंपोनेंट वाइज आप देखिए तो केबल्स हैं, वायर्स हैं, स्विचेस हैं, पैनल बोर्ड्स हैं, कॉन्ड्यूट्स हैं, बॉक्स है, ये उनका जो टोटल, अगर आप वी कैन सी द टोटल यूएस मार्केट इज रफली अबाउट $200 billion. तो कोई भी अगर चीज है छोटे छोटे, वी आर प्रोवाइडिंग सैंपल्स ऑल्सो, लाइक समबडी वॉन्ट्स टू गो इन टू देयर, वी आर प्रोवाइडिंग द सैंपल्स फॉर दोज प्रोडक्ट सो दैट दे कैन see the product and they can learn the product and they can come up with the ideas, which is mostly imported currently from China. We are trying to send that to India. So if someone wants, like some of our students wants to get into there and some identifies the product and they says, oh, we want to see this product or we want to start the manufacturing of this product, we are happy to provide those samples at no cost. And at the same time, if they need any support, we will come in picture and we'll guide you that where they are used, how they are used, and what are the requirements and what are the concerns we need to be careful for making these things. So we can help in this part. So you know, the portal we are preparing is under kgcard.com. It is already running. So we have also an office in Gandhinagar and Baroda and Chennai. So you can contact us in that, or I can directly come into there, or my US people also come in directly there and guide you that what we exactly need to, or what we are looking for. Thank you. One question. जो चाइना अपने को जो एलईडी बेचता है इंडिया में, ठीक है, इसका कोई लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट है इसका, करेक्ट, और यूएस में चाइना जो इंपोर्ट करता है वो प्रोडक्ट अलग रहता है इंडिया से? सो इन दैट केस आई थिंक एज अ टेक्निकल पर्सन वी हैव टू अंडरस्टैंड, सी, यूएस हैज सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स. हां, यस यस. व्हाट आई मीन टू से इज, मान लीजिए अपना एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में बाजू में नया बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, ठीक है, तो यू हैव टू सबमिट अ प्लान टू द कंसर्न गवर्नमेंट. अच्छा अच्छा, वो तो, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उनको अप्रूव करेंगे. हां, और अप्रूव करने के बाद वो हर महीने इंस्पेक्शन में आएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो एज पर द इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक कोड जो है उसके मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हां, सही है, सही है. अपने वहां कैसा है कि अपने वहां सेटिंग वाला सिस्टम है कि इंस्पेक्शन आता है तो भी आप सेटिंग कर लेते हैं. यहाँ पे इट इज नो चांस. नो चांस मीन्स, अगर मेरा, मैं कितना भी बड़ा आदमी हूं, अगर मैंने कोई भी वायोलेशन किया है तो दे आर नॉट लुकिंग एट द मनी पॉइंट, दे आर लुकिंग एट द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल वर्किंग इन दैट बिल्डिंग. अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है इनिशियल बिल्डिंग में और फायर हो जाता है तो दे पुट द लाइफ ऑफ द पर्सन टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. अपने वहां कैसा है कि पैसा ही सब कुछ बोलता है. सही बात. और मुझे है, मैं तो कई बार बोलता हूँ कि मुझे हैरानी है कि हम जो ज्ञान के पूजक हैं
वो पैसे का पूजा वाले कैसे हो गए हैं। व्हेन आई सी एनी पॉलिटिशियंस और एनी पुलिस वाला और एनीथिंग, आई विल नॉट इवन रिस्पेक्ट देम इफ दे आर करप्ट। आई विल गो अप फ्रंट सेज हु आर यू, आई डोंट नीड योर हेल्प। सो ये भी करना पड़ेगा, ये सब कुछ भी हमें स्लोली एंड स्टेडली करना पड़ेगा, ये होना ही चाहिए, नहीं तो ये सब खत्म कर देगा। सर चाइना से यहाँ जो एलईडी आता है ना, इससे अच्छा तो यहाँ सिस्का का एलईडी बहुत अच्छा रहता है। करेक्ट, वो डंपिंग हो रहा है, वो सिस्का का तो एलईडी महंगा रहता है थोड़ा। Correct. वही प्रॉब्लम है तो। पर वही प्रॉब्लम, वी आर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल्स थॉट प्रोसेस। वी आर मनी सेंट्रिक पीपल, व्हाट आई एम सेइंग इज वी आर ऑलवेज लुकिंग एट द मनी। Yes, yes. मैं यूएस का आपको यूएस का सिस्टम बताता हूँ। मैंने मेरे पेट्रोल पंप्स भी थे, मैंने आई रन पेट्रोल पंप फॉर फ्यू इयर्स, राइट। तो वहां पे सिगरेट बेचते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टेशन रास्ते में आता है, अच्छा? अपने वहां कैसा है कि हम लोग जो जब जाते हैं तो वो सस्ता ढूंढ के जाते हैं। ये लोग कैसा है कि जो भी पहला आता है वहां से जो भी मिला है वो ले लेता है, प्राइस देखने की जरूरत नहीं है। वॉलमार्ट एक चीज, मान लीजिए एक एक आइटम है वॉलमार्ट में, कोई भी एक ब्रांडेड लाइन, मान लीजिए कैन प्रोडक्ट है, वॉलमार्ट माने 50 सेंट में बेचता है, उसके ही सामने वाले स्टोर में वही प्रोडक्ट वही कैन अगर 69 में बेचता है, 69 सेंट में या $1 में, तो भी वो बिकता है। अच्छा, क्योंकि मैं वो कैन लेने के लिए फिर वापस वॉलमार्ट में जाऊंगा, पार्किंग करूंगा, फिर वॉलमार्ट में वॉकिंग करूंगा। आई कैन नॉट अफोर्ड दोज टाइम्स, आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। तो दैट इज वो अपने वहां कैसा है कि भी, दूसरा एक ऐसा है कि हम जो है, सी वी हैव अ क्रिएटेड अ सोसाइटी विच फील लाइक मैं बड़ा और तू छोटा और तू छोटा और मैं बड़ा, और उसी कारण हम जैसे प्रोफेसर लोग भी एलडी में जो स्वीपिंग कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारी वो ताकत नहीं है हम स्वीपिंग कर सकें। वी मस्ट रिस्पेक्ट देम, राइट। पर हमें बहुत सारे कम लोग हैं कि जो उनको रिस्पेक्ट दें। बाकी कई सारे लोग ऐसा भी होता है कि मेरी ऑफिस साफ नहीं है तो गाली बोल के बोलते हैं कि तुझे पता नहीं चल रहा है मेरी ऑफिस साफ करनी है। मेरी हैसियत नहीं है मेरी ऑफिस साफ करने की, मुझे छोटापन दिखता है उसमें। जो कर रहा है वो बड़ा है, लेकिन वी कैन नॉट रिस्पेक्ट। सो वो पूरा सोशल प्रॉब्लम है अपना, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दैट। बट वो यूएस में नहीं है, वो यूएस में तो लाइक एवरीबडी इज इक्वल। तो वो कल्चर हमें समझना पड़ेगा, उसी कल्चर से बात कर, क्योंकि मैं, मुझे ये दिक्कत होती है कई बार, मैं जब इंडिया आता हूँ तो कोई भी सामान अगर होता है तो मैं अपने आप लेके गाड़ी में रखता हूँ, गाड़ी में से अपने आप निकाल कर देता हूँ, सब लोग बोलते हैं अरे ये निकाल लेगा निकाल लेगा। अच्छा, राइट। पर हमारा यहाँ तो स्टाइल है, हमें खुद ही लेबर के मुताबिक काम करना पड़ता है, हमें, मैं खुद ही ओनर हूँ, खुद भी लेबर हूँ, तो ये पूरा कल्चर यहाँ पर ऐसा ही है। Sir, very happy to listen your voice after a very long time. Yes, sir. Sir, one non-technical question is there. Yes, sir. You told that the life of person is very much important in US. Then correct. Why death due to corona is more in US than in India? Correct. This is another problem which. We need to understand all those things. See, this is all maybe a world level problem. मैं और आप दोनों business में हैं, same ही business में हैं। जब मेरी सोच आपको destroy करने की हो जाती है, जो कि आपको पता नहीं है, you will not believe it. You will only come to know when you are almost 80% destroyed. चाइना ने वो सोच बना के काम किया है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये ओपन सोसाइटी है और यूएस का एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लाइक यूएस हैज़ द हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन लिविंग इनटू द होम्स एंड लाइक नर्सिंग होम्स। दूसरा चैलेंज क्या है कि यूएस में यू विल नॉट फाइंड, अपने इंडिया का जो है फूड स्टाइल, अपना जो, ये हमें गर्व की बात है हमारे लिए कि भी हमारा जो विरासत है, हम जो खाना खाते हैं, हम जो आयुर्वेदिक की लाइक सब ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक ये सब पीते हैं हर रोज, राइट, दैट हेल्प्स अ बिग टाइम। यहाँ पे यूएस में ऐसा सोशल फैब्रिक है ही नहीं। जो बुड्ढे हैं 80 साल के बाद में वो अकेले रहते हैं, उनका वो कोई फैमिली नहीं, उनको कोई मिलने नहीं जाता है, वो सिर्फ मेडिसिन पे ही जीते हैं, और वो हैविंग अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, इफ दे स्टॉप देयर मेडिसिंस
दे गोइंग टू डाई। इंडिया में कैसा है कि अगर आप 80 साल के बुढ़े को भी बोलोगे कि आपके गोली खानी है, 3 दिन में एज सून एज ही स्टार्ट फीलिंग गुड, इसे जी आप मुझे गोली की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी आदमी 50 के ऊपर का कोई भी आदमी आपको आपको हर रोज की 2 या 3 पिल खाने से कम वाला नहीं मिलेगा। एवरीबडी हैज ऑन अ मेडिसिन। तो दैट माइट हैव प्लेड अ क्रिटिकल रोल, और बिफोर दे अंडरस्टैंड दैट इज अ सीवियर प्रॉब्लम दे ऑलरेडी क्रॉस दैट लिमिट। और अभी अनकंट्रोलेबल हो गया है कि भी अभी उसमें कंट्रोल ही कैसे करें, क्योंकि इंडिया में जैसा लॉकडाउन हुआ था ऐसा लॉकडाउन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके सर, ओके। Well, sir, it's extremely pleasure to have you, and yeah. You have rightly said that the foremost quantity which one should have, that is burning desire to establish an enterprise, correct, and understanding a global track. So with this, I like to cite one thing, that it is rightly said by Bashir Bhadra sir, that peer ho gayi hai parbat se to pigalni chahiye, har Himalay se ab Ganga nikalni chahiye, mere sine mein na chahi tere sine mein hi sahi, wo kahin bhi par bhi aag, पर वो आग जलनी चाहिए। सो विद दिस कॉट आई लाइक टू इनवाइट आवर एचओडी सर टू रिप्रेजेंट वोट ऑफ थैंक्स। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू बट सर। आई बी पटेल सर, वेरी नाइस टू लिसन यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई एम वेरी ग्लेड टू शेयर विद द ऑडियंस दैट आई बी पटेल सर इज माय गुरु एक्चुअली। आई डिड माय बी इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीसी मॉडर्स सर during the period 1992 to 96, and sir was there to teach us, and particularly I remember sir taught us electrical machines. So I'm very happy to see you sir. Thank you. Sir has rightly pointed out that competition is nowadays very tough, and we have not only to be job seekers. Even I also tried to ask the question, same was the reply from his side. I do not think that always we have to seek job, but we have to be the job creators. And for that, he explained so many ways, so many things are given. And most of the things he spoke from his own experience. He has settled there, set up his own business, and really very helpful tips are given by him. Even I would like to say to the audience that we at state government level have a policy, student startup and innovation policy. And even under that policy, the innovative ideas are supported. Each and every student may get the fund up to his 2 lakhs. And even for the patents, IPR and patenting also, there is a separate grant. So the students may take the benefit of that scheme with the help of the suggestions given by someone. At the end of this session, I would like to thank, first of all, I B Patel sir for sparing his valuable time. Thank you very much, sir. We really enjoyed the session. Always I would also like to thank our principal madam, Dr. Rajul Gajar. Yes, sir. And we will also need your help in the future for similar other activities. Anytime. You can share my email ID to all the students. I would also like to thank our principal madam. It can be available, okay? Okay, sir. Very, very good. Great. I would also like to thank our principal madam, Dr. Rajul Gajar. She always motivates us and inspires us to arrange such technical talks, activities. So I'm thankful to madam. I'm also very much thankful to Dr. Kunal Bhatt, who has taken the pain to arrange this event nicely. He was working since long, managed everything, each and every small aspect he managed very well. So I'm really thankful to him. I'm also thankful to all the faculty friends who joined this webinar, expert lecture. Even a few of the faculty members, I believe, from outside LDC also, and few are from our department. So I'm thankful to all the faculty members for their support. Lastly, I would like to thank all the participants from LDC and from outside LDC. So because of you only, this became successful. So with that, I would like to end. Thank you. Thank you all. Sir, I like to add that whether car is Maruti Alto or Mercedes, but fuel is required. So in case, our fuel is Chudasma, sir. So whether we are dabba of engines or everything, but fuel is our source of motivation is Chudasma, sir. So thanks to Chudasma, sir. So create such an environment where we can flourish and shine. So big thanks to him also. Thank you so much, sir. So thank you, Patel, sir.
we'll once again meet in future also for such kind of session as well as for MEU. Anytime, I'm available anytime. Okay, so shall we conclude, sir? Chudasma, sir? Yes. Yes. Okay, so we are calling a day from today. Thank you. Okay. Thank you all. So we are calling a day for today. Okay, thank you. Okay, thank you.